सागर आज रितु दीदी होती तो ध्यान रखती मेरा, बहुत याद आ रही है यार उनकी। ठीक है यार, याद तो आती है रितु दीदी की। माँ आपको रितु दीदी की याद नहीं आती, बुला लो ना उसे एक दिन। अरे बेटा मैं चाहती हूँ उसे बुलाऊं, और याद क्यों नहीं आएगी, भला अपने बच्चे को कोई भूलता है? बहुत याद आती है मुझे भी उसकी, और मैं चाहती हूँ कि उसे यहाँ बुलाऊं, लेकिन देख अब बहू आ गई है ना, रितु का यहाँ ज्यादा आना जाना ठीक नहीं रहेगा, बस इसीलिए नहीं बुलाती। और वैसे भी मेरी रितु तो शक्कर जैसी है और बहू एकदम नमक जैसी। ये लो दीदी की वीडियो कॉल ही आ गई। अरे रितु कैसी है बेटा? हाय। सरा बेटा मैं बाजार जा रही हूँ, तेरे लिए कुछ लाना है तो बता दे, लेती आऊंगी आते वक्त। नहीं माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने लिए ले आना। ये क्या हो गया मेरी बहू को, इतने अजीब तरीके से बर्ताव क्यों कर रही है ये? तूने तो मना किया था लेकिन मैं फिर भी ले आई, मैं जानती हूँ बेटा कि तुझे गोलगप्पे कितने पसंद है, ले खा ले। माँ अगर मुझे ये खाने होते मैं आपसे मंगवा लेती, मुझे नहीं खाना ये सब, मैं खाना ऑलरेडी खा चुकी हूँ, जा रही हूँ मैं। ये इसको क्या हुआ, ऐसे तो इसने आज तक बात नहीं की, और ना ही आज गोलगप्पे लाने को कहा। माँ जी आप ये क्या कर रही हो, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं अभी तक? रुको मैं तेल लेके आती, फिर आपके पैरों की मालिश करूंगी। तूने मुझे बताया अभी तक? मैंने क्या माँ जी? यही कि तुम उससे गुस्सा क्यों है, तुझे क्या लगा बेटा कि तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा? अच्छा बता क्या बात है। माँ जी वो तो देख सौरभ ये वो नहीं, सीधी बात बता बेटा हुआ क्या है। माँ जी जब उस दिन आप बात कर रही थी रितु दीदी के बारे में तो मैंने सब सुन लिया था। बस इतनी सी बात बेटा, तू ना मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाई। अरे मैंने बेटियों को शक्कर की तरह इसलिए कहा था कि बेटियां चाहे जिस हाल में भी हो माँ को प्यारी लगती हैं, मीठी लगती हैं, चाहे उनमें कोई गुण हो ना हो, चाहे उन्हें कोई काम अच्छे से आता हो या ना आता हो, माँ ना अपनी बेटी में कभी भी कोई बुराई नहीं निकाल पाती, हाँ निकालना चाहती भी नहीं, लेकिन बहू नमक की तरह होती है जिसका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। जैसे नमक के बिना हर खाने का स्वाद फीका पड़ जाता है ना, ठीक वैसे ही बहू के बिना ये घर फीका लगने लगता है। बेटा नमक हमारी जरूरत है और मीठा हमारा शौक, एक दिन अगर खाने में नमक ना मिले ना तो हर चीज बेस्वाद बेरंग हो जाती है, मन नहीं लगता किसी चीज में। ठीक ऐसे ही बहुओं के बिना ना ये घर सूना हो जाता है, क्योंकि तुम हो तो ये घर है, ये परिवार है, तुम्हारा कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने तुझे नमक की तरह कहा। और हाँ एक वादा कर मुझसे, आज के बाद अगर कभी भी मुझसे गुस्सा होगी ना तो मुझे पहले बता दियो, फिर मैं बताऊंगी कि तुझे मुझसे गुस्सा होना है या नहीं। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बस मैंने सुना और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इस तरीके से सोचा ही नहीं। और नहीं बेटा मैं समझती हूँ, अरे अगर तेरी जगह मैं भी होती ना तो शायद गलतफहमी मुझे भी हो जाती। इधर